भारत के मशहूर गायकों में गिने जाने वाले तानसेन मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में गिने जाते थे। चाहे वो राग दीपक गाकर मौसम का पारा बढ़ाना हो या फिर राग मल्हार गाकर बारिश की झंकार लाना, इनके गायकी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं, मगर कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि उनकी कब्र ग्वालियर शहर के तानसेन नगर में मौजूद है, जहां इनको इनके गुरु मोहम्मद घोष ग्वालियरी के मकबरे के करीब सादगी से दफन किया गया था। ग्वालियर संगीत घराने की शुरुआत तोमर काल के दौरान हुई थी। ये वही दौर था जब द्रुपद गायन शैली मशहूर हुई थी, जिनमें रामतनु मिश्र का भी योगदान था, जो आगे चलकर मियां तानसेन के नाम से मशहूर हुए। तानसेन के धार्मिक गुरु मोहम्मद घोष ग्वालियरी सूफी मजहब के क्षत्रिय सिलसिले से ताल्लुक रखते थे। संगीत में निपुणता के साथ साथ इनको मुगल सल्तनत के पहले तीन बादशाह बाबर, हुमायूं और अकबर का हिमायती भी माना जाता था। पानीपत की पहली जंग में विजय होने के बाद बाबर को ग्वालियर कब्जाने में और हुमायूं को शिक्षा दिलाने में मोहम्मद घोष का बहुत बड़ा हाथ रहा है। सूफी संतों में इनको सबसे प्रभावशाली माना जाता है, जिनको एक पीर का ओहदा भी हासिल है। मोहम्मद घोष को तानसेन का धार्मिक और संगीत गुरु होने का भी श्रेय प्राप्त है, जिनकी सरपरस्ती में तालीम हासिल करके आगे चलकर उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को एक नया चेहरा दिया। सन 1562 में मोहम्मद घोष के इंतकाल के बाद अकबर की हुकूमत के दौरान ग्वालियर में इन पर समर्पित एक भव्य मकबरे का निर्माण किया गया था। इस मकबरे के ठीक बगल में तानसेन का मकबरा शामिल है, जहां पर उनको सन 1586 में उनके इच्छा अनुसार अपने गुरु के करीब दफनाया गया था। इस मकबरे में स्तंभ और बीच में तानसेन की कब्र है। मोहम्मद घोष ग्वालियरी के मकबरे की गिनती भारत में सबसे दर्शनीय मकबरों में की जाती है। मुगल वास्तुकला के शुरुआती दौर की बेमिसाल उदाहरणों में माने जाने वाले इस मकबरे में गुजरात और राजस्थान की वास्तुकला शैली की भी छाप दिखाई देती है। सन 1565 में निर्मित यह मकबरा एक चौकोर इमारत है, जो मध्य में एक बड़े गुंबद से ढका हुआ है। इसकी षटकोणीय मीनारें छतरियों से ढके हुए हैं। यह मकबरा अपने जालियों के लिए मशहूर है और यहां देश भर से कई भक्तों का तांता लगता है, जो यहां पर अपने पीर बाबा से मन्नत मांगते हैं। इस मकबरे के करीब ग्वालियर के कई प्रभावशाली नागरिकों को भी दफनाया गया था, जिनकी कब्रें आज भी देखे जा सकते हैं। आज यह मकबरा एक महान गुरु और उसके शिष्य के कला की अद्भुत निशानी के तौर पर ग्वालियर की शान का अटूट हिस्सा है।